हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ डे टू और अभी जस्ट मैं उठा हुआ हूँ। एंड भाई साहब, बाहर के नज़ारे देखो एक बार। बढ़िया है, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। तो बाहर अभी उठते ही मतलब जो है पता लगा कि चिमनी में थोड़ा बहुत साउंड कर रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट वैसे रेडी हो चुका है मेरा, पोहा चाय रेडी हो चुका है, सोने को बाद में खाएंगे। पहले जो है चिमनी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि साउंड कर रहा है पता नहीं कुछ, तो उसके लिए अपना सामान लेना पड़ेगा कारपेंटर वाला। तो ये था अपना सामान। ठीक करने के लिए इसे लेके जाना पड़ेगा। कितना गंदा हो रहा है। सो आज करेंगे हम चिमनी ठीक। चिमनी में अगर ऐसा साउंड आ रहा हो, चू चू चू, दिखाऊंगा अभी, तो कैसे करेंगे इसको ठीक। चिमनी को ये ऑन है क्या? ऑन नहीं है। सो ये था अपने चिमनी। सो इस पे अभी देखते हैं कि साउंड आएगा इसमें एक। ओ ये खुल रहा है, साउंड आ रहा है। यार कुछ साउंड आया नहीं, रुक जाओ अब आएगा। अब भी साउंड नहीं आया, ये क्या बात हो गई? अभी तो आ रही थी यार। ठीक हो गया क्या ये? ये क्या बात हो गया यार, कैमरा ऑन करा और चिमनी ठीक होगी? गजब हो गया। मतलब मैं अभी तक ये साउंड कर रहा था और कैमरा लेके आया तो चिमनी बिल्कुल ओके साउंड कर ही नहीं रहा है। ये कमेंट करके बताओ यार, सबके साथ होता है या मेरे साथ ही ऐसा? कैमरा ऑन करा उसके बाद ये चिमनी साउंड ही नहीं कर रहा है, फिर तो बहुत बढ़िया है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कैमरा ऑन करो, चीज़ें ठीक, इंसान तो ठीक हो ही जाते हैं, मतलब चीज़ें भी ठीक होने लग गई यार। बट कोई नहीं, हम अपना यंत्र लेके आए तो इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे, आज कलाकारी करते हैं। देख बिल्कुल भी साउंड नहीं आता। कोई नहीं, ये अंदर का जो है ना, ये अंदर का साफ करूंगा मैं। ये आपको अंदर धूल मिट्टी दिख रही क्या? ये देख रहे हो धूल मिट्टी अंदर? ये थोड़ा इसको ये बंद करो यार स्विच। ये आपको अंदर दिख रहा है चिमनी के अंदर धूल मिट्टी? देखो कितने सारे हैं, देख रहे हो? ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस सबको साफ करना है। यहाँ पे है स्क्रू, ये रहा स्क्रू और एक स्क्रू, ये खोलूँगा अभी और पूरा इसको आज अंदर साफ करूँगा। सारा मैकेनिज्म धूल मिट्टी कितना ज्यादा है ये देख लो। ओ भाई साहब, ये सब साफ हो जाएगा आज। ये देखो भाई,
ओह शिट। ठीक है, अब इसके हमने यहाँ से नट निकाल दिए, नीचे से दो नट थे, यहाँ नीचे होती है इसको खोलने के लिए। सो ये हमने निकाल दिए, ये देखो ये एक नट, ये एक नट, यहाँ नीचे होते हैं, ये खुल गया। अब पूरी क्लीनिंग हो गई, ये है पूरा ग्लास, तो इसको आराम से रखेंगे यहाँ पे ताकि टूटे ना। तब से इतना मुश्किल हो रहा था, नहीं रहा था। अब इसको आराम से खोला जाएगा, मतलब मैं बिल्कुल फुल फ्लेज जो है चिमनी रिपेयर, चिमनी मैकेनिक बन गया हूँ। बताओ, अब यही चीज़ भाई साहब अब दुकान वाले को बुलाता तो 2-3 हज़ार से कम नहीं है सर्विसिंग का। बट देखो हमने कर दिया, अभी खोल दिया बिल्कुल ही। तेल देख रहे हो, तेल ऑयल देख रहे हो, कैसा पूरा मैंने साफ किया है। इसको तो दिखाया था कैसा साफ किया है मैंने, और पूरा गर्मी से पसीना पसीना हो रहा हूँ। आज इसका हो जाएगा पूरा फुल सर्विस है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने घर में बिना सर्विस वाले को बुलाते, बस वही देखना स्क्रू कहाँ पे अटैच है। जिनका वर्लपूल है उनको बता दूँ, ये एक ही मॉडल आता है वर्लपूल का चिमनी में। सो यहाँ पे दो नट होते हैं जो ग्लास खोलता है, यहाँ पे दो नट होते हैं जो इस फेंडर को खोलता है, फिर उसके बाद अब टोटली ये खुल जाएगा और फिर आप पूरा क्लीन कर सकते हो A to Z, जिससे मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयल कर देना, क्योंकि ये बहुत मतलब 8 मंथ्स 1 साल बाद ये थोड़ा साउंड करता है, क्योंकि जम जाता है, ऑयल जम जाता है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत तो साउंड करता है। तो यहाँ ऑयल, बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा जैसे जैसे प्रॉपर, अभी इसको पूरा क्लीन कर देंगे आज हम। जिसे कहते हैं सर्विसिंग, किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा घर पर हो जाएगा। देखा आपने पैसा बचाने का नया हैक, हर दिन कोई ना कोई हैक दूंगा मैं आप लोगों को, जिससे आपके कम से कम 1000 से above भी पैसे बचेंगे। और ये आप खुद भी कर सकते हो, आपको नॉलेज भी बढ़ेगा एंड आप कुछ चीज़ें नया सीखोगे। और जैसे जैसे मैं नया नया चीज़ें सीखता रहूँगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो ठीक है, मैं इसको फिर साफ करके मिलता हूँ आपसे। किचन का सामान है, तो किचन के बर्तन जो धोते हैं ना, ये प्रिल विम, तो यही इस पर डालना है। एक ब्रश लेना है, कोई भी यूज ब्रश, और फिर इसको ऐसे घसना है, तो इससे ये कम्प्लीटली साफ हो जाएगा, क्योंकि किचन वाले ऑयल है ना इसमें, तो ये कम्प्लीटली साफ हो जाएगा, बिल्कुल ही नया क्लीन, जैसे दुकान से खरीदा था वैसे। थोड़ा टाइम लगेगा बट टाइम वर्थ इट। कैसा था आफ्टर बिफोर, ये देखो कितना क्लीन है, बिल्कुल चमक रहा है स्टील ये भी, तो इसमें देख रहे हो पूरा क्लीन, इसे भी पूरा क्लीन कर दिया। आप लगाएंगे
बहुत ज़्यादा समय लग गया, कम से कम अगर थोड़ा बहुत टाइम लेके इसे खोलना, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, समथिंग अराउंड देखो भाई 1 से 2 घंटे तो लग ही जाएगा इसे साफ़ करने में। क्यों ये बताता हूँ, यहाँ पे जो लाइन्स हैं इसके, ये लाइन साफ़ करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। सो उसके बाद क्या है, इसके 1 घंटे, क्योंकि हाथ आपका अंदर जाएगा नहीं तो प्रॉपर इसे कपड़े लेके साफ़ करना पड़ेगा। कपड़े आपको दिखा दूँ, ये देख लो ऐसे काले 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 हो जाएंगे, पूरा काला। ऐसे तो 3 कपड़े ख़राब हो गए अभी। चलो जितना हो सकता है, कम से कम 80% क्लीन हो चुका है। अब इसको लगाएंगे पूरा प्रॉपर सेटअप। पहले नीचे के स्क्रू, ज़्यादा टाइट नहीं। अब फिर 3 स्क्रू लगते हैं इसमें, तो 1 स्क्रू लग गया, 1, 2, 1 स्क्रू इधर। टाइट हो गए 3 स्क्रू कम्प्लीटली 3। इसके हम लगाएंगे ये वाला पार्ट, जो ग्लास वाला पार्ट है इसका, ये जो नीचे आता है, ये लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ पे ये जो दिख रहा है 2 आपको, एक ये एक ये, ये नीचे जाएंगे इसके, स्क्रू लग जाएगा। और बाकी ये जो 1, 2, 3 हुक हैं, ये 1, 2, 3 हुक यहाँ पे लगेंगे, और इस साइड भी। तो एक बार अभी इसको चालू करके देखते हैं। अब पूरा इसको एक बार कंप्लीटली साफ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो ये है ऑयल ट्रे, और ये ऑयल डिस्पेंसर भी बोलते हैं इसको। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे नीचे। ओके, नाउ इट्स कम्प्लीटली डन। कैसा हो गया यार, बिल्कुल। सो नाउ इट्स कम्प्लीट डन, आपको दिखा दो चलाते। सो आप लोगों को अभी मैं इसे चला के दिखाता हूँ। देख लो पूरा फेस दिख रहा है, पूरा ब्लैक, पूरा जेट ब्लैक है ये। खुल जाओ सिम। ओके, बिल्कुल ही मतलब क्लीन आ रहा है। लाइट ऑफ करते हैं, बिल्कुल ही नया जैसा फील हो रहा होगा इसको। साउंड आपको जैसा भी आ रहा होगा, बट इट इज़ नाउ सुपर क्लीन। देख रहा ना, पूरा नया। चलो, ग्रेट सक्सेस, हो गया है क्लीन। जो हम देख रहे हो करने के लिए क्लीन, ये वो ऑयल, हेयर ड्रायर सब यूज़ हो गया भाई यहाँ पे, सब कुछ। सो नाउ इट इज़ टोटली कम्प्लीटली क्लीन। सो एंड आज का जो है ये ख़त्म हो गया है ब्लॉग। सो डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको भी अच्छा लगता हो देखने में डेली ब्लॉग्स। सो दिस इज द एंड, टिल देन पीस। एक क्विक टिप है आपके लिए। सो यहाँ पे ये देख दो, ये देख दो हाथ कट गया, ये देख दो 3 उंगलियाँ कट चुकी है मेरी। सो अगर ग्लव्स हो तो ग्लव्स पहन के ही करना भाई, नहीं तो ऐसे कट जाएंगे तो थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा झेलना पड़ेगा।